नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिको पर। किसान भाइयों, आज यहाँ पर हम बात करेंगे कि वर्मी वाश क्या होता है। तो किसान भाइयों, वर्मी वाश जो होता है वो केचुए की खाद से निकला हुआ पानी होता है। तो वर्मी वाश के फायदे क्या हैं? अत्यधिक मात्रा में एंजाइम और अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आप जानते हैं एंजाइम और अमीनो अम्ल से पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, फूल अच्छे आते हैं, फलों की साइज अच्छी बनती है, फलों में चमक अच्छी आती है। दूसरा है नत्रजन स्थिर कारक जीवाणु, फॉस्फोरस को घुलनशील करने वाले जीवाणु और उपयोगी कवक आदि पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वर्मी वाश को आप सिंचाई के जल के साथ खेत में देते हैं तो आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जीवाणु की मात्रा बढ़ जाती है, फास्फोरस को मिट्टी में पड़े फिक्स फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणु बढ़ जाते हैं, जिससे कि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है और बहुत सारी उपयोगी कवक पाई जाती हैं जो कि मिट्टी में जाकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती हैं। तीसरा है विटामिन और हार्मोन जैसे साइटोकाइन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन आदि पाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑक्सिन पाया जाता है जो कि नई कोशिकाओं को बनने में मदद करता है, जिब्रेलिन पाया जाता है जिससे कोशिकाओं की साइज बढ़ती है। चौथा है घुलनशील नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटाश भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के क्या उपयोग है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप यूरिया, डीएपी, पोटाश वगैरह डालते रहते हैं। उसके बाद है अनेकों प्रकार के बड़े व सूक्ष्म पोषक तत्व, मतलब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इस वजह से इसका सीधा उपयोग पत्तियों पर छिड़काव करने में किया जा सकता है। वहीं पर अगर वर्मी वाश यूनिट की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें साफ पानी की एक टंकी होती है जिससे लगातार यहाँ पर पानी टपकता रहता है। उसके बाद यहाँ पर केंचुओं सहित केंचुआ खाद होती है, एक ड्रम होता है बड़ा, या यूनिट होती है, टंकी होती है जिसमें केंचुओं के साथ केंचुआ खाद को डाला जाता है। फिर इसमें एक नल लगा रहता है या एक छिद्र होता है जिससे कि पानी लगातार टपकता रहता है। जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतना ही पानी यहाँ से भी बाहर निकलेगा। वर्मी वाश को एकत्रित करने का पात्र, मतलब वर्मी वाश यूनिट में तीन चीज़ें होती है, साफ पानी की टंकी, केंचुओं सहित केंचुआ खाद वाली टंकी और वर्मी वाश को एकत्रित करने की टंकी। ठीक है किसान भाइयों, वैज्ञानिकों ने इसको वैज्ञानिक तरीके से कुछ ऐसा बनाया है जिसमें कि प्लास्टिक की एक टंकी बना रखी है जिसमें कि केचुआ खाद डाली जाती है, लगातार पानी स्प्रे किया जाता है सुबह शाम, और वो जो पानी जब एकत्रित होता रहता है तो पानी निकल कर यहां टंकी में आ जाता है पाइप के थ्रू। इसका ढलान कुछ इस तरफ होता है। तो इसे आप सस्ते में ऐसे भी बना सकते, ठीक है, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं ड्रम वगैरह में। इसमें फायदा ये है कि इसमें आप ज़्यादा मात्रा में वर्मी वाश बना सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा वर्मी वाश बना सकते हैं और निकालने में भी आसानी रहती है। वहीं पर आप इस तरह की यूनिट भी लगा सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा खर्चा लगता है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आपको वर्मी केचुआ खाद को वापस जब निकालेंगे आप तो आपको कुछ परेशानी आएगी। आपको इस टैंकर को पूरे को ड्रम को नीचे उतारना पड़ेगा, इसमें से केचुआ खाली करना, वो एक समस्या भरी बात हो सकती है। वहीं पर इस यूनिट में देखो या इसमें देखो या इसमें देखो या इसमें देखो, आपको केचुआ खाद निकालने में समस्याएं नहीं आएगी। लेकिन ये एक छोटी यूनिट है जिसमें कि आप अपने किचन गार्डन के लिए तैयार कर सकते हैं या एक एकड़ के लिए तैयार कर सकते हैं। ये बड़ी यूनिट है जिसमें आप मिट्टी में अगर उपलाय मिट्टी में भी अगर आप केचुआ का वर्मी वाश देना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और अब आइए देखते हैं एक चलती हुई वर्मी वाश यूनिट कैसे काम करती है। तो किसान भाइयों, ये रही मेरी वर्मी वाश यूनिट। इसमें आप देख सकते हैं ये मटका लगा रहा हुआ है जिसमें कि मैंने ये साफ पानी भरा हुआ है, मटके के ऊपर कपड़ा ढका हुआ है ताकि इस पर कोई भी कचरा पट्टी अंदर ना गिरे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ये बाल्टी है जिसमें नीचे रेत भरी हुई है ताकि केचुए नीचे ना जाए, और इसमें वर्मी कंपोस्ट केचुओं सहित भरा हुआ है और ऊपर से इसे ढका हुआ है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें केचुए काम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें केचुए भी हैं और केचुआ खाद भी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से सड़ी हुई कंपोस्ट है ये, और इसमें केचुए भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें केचुए काम कर रहे हैं। इसको हम इस प्रकार से ढक देते हैं ताकि अंधेरा रहे, क्योंकि केचुओं को अंधेरे में काम करने की आदत होती है, और ताकि उसमें और साथ ही इसमें हवा भी जाती रहे जिससे कि केचुओं को सफोकेशन ना हो, उन्हें हवा की कमी ना हो, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मटके में छेद किया हुआ है और इस मटके में कपड़ा लटका रखा है जिससे लगातार पानी टपकता रहता है। पानी टपकने की चाल आप फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से, कपड़े से कम पानी टपके या ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बाल्टी के नीचे भी हमने ऐसे ही होल करके उसमें भी एक कपड़ा लटका रखा है जिससे कि लगातार पानी टपकता रहता है और वहाँ पर हमारा वर्मी वाश नीचे टंकी में इकट्ठा होता रहता है। तो ये रही मेरी पूरी यूनिट, पानी की टंकी व केंचुआ खाद का टंकी और वर्मी वाश इकट्ठा करने की टंकी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाइयों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।